हे नमस्कार मेरी वन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है? जस्ट चिल, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, और आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, देखिए, प्लीज नोटिस कीजिए इसको, क्या होता है। कि सपोज वी हैव एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन RESSION ऑफ द फॉर्म फॉर्म ऐसा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा, कैसा? पी ऑफ एक्स को हम नाम दे रहे हैं, पर एक्चुअली कुछ ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसा है? एक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही है एक्स, ठीक है, एंड हैज अ डिग्री टू, मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो टू है, हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो कितना है, वो टू है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो कि मेरे पास एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहां पर मेरे पास वन वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एंड हाईएस्ट वेरिएबल हाईएस्ट पावर टू है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं एकदम इजी वे में। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल में हो, सिर्फ वन वेरिएबल में हो, एंड उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो, एक्सपोनेंट हो, वो टू हो, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और हम लोग सीखेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करना जरूरी है कि कंडीशन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज फैक्टराइजेबल और नॉट, हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हम लोग को जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है वो क्या फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसको, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग को पता चल जाए कि हाँ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ना हम लोग आगे जाके उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, वेदर नॉट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट MIDDLE मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पे एक कंडीशन क्या है, अच्छा, यहां पर एबीसी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए को पढ़ते हैं, कहां लिखे हैं हम, अब बहुत जल्दी बोल दिया हम, अच्छा ठीक है, ये हो गया ना। कंडीशन क्या वहां पे आते हैं हम लोग, ठीक है, कंडीशन ये है कि बी
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये बात क्लियर है हम लोग को कि b इस एक्सप्रेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जहां पर a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है, c है मेरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले उसको अरेंज करो इस फॉर्मेट में कि पहले आप हाईएस्ट पावर लिखो, फिर उसका लोएस्ट पावर एक्स का टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो। क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करो, पहले अरेंज करो। अरेंज का मतलब कि पहले आप हाईएस्ट पावर जो है एक्स स्क्वायर उसका टर्म लिखो, फिर एक्स का टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो। ठीक है, और जैसे आप उसको अरेंज करोगे आपको ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ए क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आप ये क्वांटिटी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्वांटिटी जो हम निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे भैया ए बी सी तो नंबर्स है ना, अगर आप पुट करके ये क्वांटिटी निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वांटिटी अगर आप निकालते हो और देखते हो कि ये क्वांटिटी तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेबल है, नहीं तो फैक्टराइजेबल नहीं है यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। और कोई तरीका से फैक्टराइज हो सकता है पर मिडल टर्म से फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला, मेरा एसओडी का नोट कर लो उसका चीज़। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो हम लोग समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है एंड जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस केस में सबसे पहले आप उसको अरेंज करो, मतलब कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप पहले इसको अरेंज करो इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। ठीक है, ए क्या है हम लोग को पता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स है, एंड सी है कांस्टेंट टर्म। मतलब कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें से पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, एक्स टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। ए बी सी रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये क्वांटिटी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्वांटिटी निकालने के बाद अगर ये, चेक करो इसका वैल्यू क्या आया है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं, अगर इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया, क्या आया परफेक्ट, अरे F का स्पेलिंग क्या होता है, F, पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइजेबल है। ठीक है, पर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि द एक्सप्रेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल, फैक्टराइजेबल। क्लियर है, ये चीज समझ में आया आपको कि द एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेबल नहीं है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, ओके, यहां पर जो एक्सप्रेशन मैंने पहले से टिक करके रखा है, ये दो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे चेक करने के लिए कि जो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेबल है कि नहीं है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोला है, 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, ये है। तो फिर मुझे जानना है, मुझे बस ये जानना है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
क्या ये फैक्टराइजेबल है? चेक करते हैं हम। हेयर ए क्या वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? हेयर ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 5। बी कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी कितना है? कांस्टेंट टर्म 6। ठीक है, ओके। देयरफॉर देयरफॉर आप क्वांटिटी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? ये हो जाएगा, बी है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 17 स्क्वायर कितना होता है? 17 इंटू 17 ये हो जाएगा 289। 17 स्क्वायर याद है ना? 289। कब से हम आपको बोले जा रहे हैं कि एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर एंड 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आप प्लीज याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना था भाई? ए का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 6। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120। ठीक है, इसको माइनस करो, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1, 169। और 169 क्या है? क्या ये 13 इंटू 13 है? 13 स्क्वायर तो है ना? ठीक है, मतलब कि ये जो नंबर है 169, इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू 169 है, जिसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग कोई नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देयरफॉर एज 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज द एक्सप्रेशन इज फैक्टराइजेबल, XPRESSION इज फैक्टराइजेबल, फैक्टराइजेबल। ये चीज हम लोग को ऐसे काम करना पड़ता है, समझ में आया आपको? कोई भी नंबर को जब हम एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15। तो सबसे पहला बात ये नोटिस करो आप, क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है? मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स और ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया? ए का वैल्यू हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 3, बी का वैल्यू है कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब माइनस 8, सिर्फ 8 नहीं माइनस 8, क्योंकि हम लोग प्लस साइन लेके काम करते हैं, और सी का वैल्यू है माइनस 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 एंड सी का वैल्यू है माइनस 15। 8 स्क्वायर होता है 64, देखो माइनस है, ये माइनस 15 इंटू माइनस करने से प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60, 60 इंटू 3 180 ऐड कर दो तो हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 8 प्लस 6 14 कैरी 1 244। अब नोटिस करो क्या 244 किसी को, जो नंबर 244 है क्या हम इसको किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं? नोटिस करो, अभी हम लोग देखे 17 का स्क्वायर होता है 289, 16 का स्क्वायर होता है तो 256 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256 और ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 244 को हम कोई भी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 244 इज नॉट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब एक्सप्रेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल, एक्सप्रेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल, समझ में आपको? तो कभी अगर आपको बस ये पूछा है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है
क्या वो फैक्टराइजेबल है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट? तो उसके लिए आपको बस ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तक हम लोग ये नहीं सीखे कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, बस ये समझे हैं कि मिडिल स्प्लिट करने के लिए कंडीशन क्या है, कि कब कर सकते हैं हम लोग, कब कर सकते हैं, जब एक क्वांटिटी का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टर्म आपका क्या है, अरे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, करते कैसे हैं भैया। तो ये मान लीजिए आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में क्या करो, आप इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह छोड़ के यहां एक्स लिख दो प्लस सी, ठीक है? जैसा आपका है वैसे लिखोगे। अब क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वेरिएबल बी है ना, जो एक्स का कोफिशियंट है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। इसको ये जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना बी, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं इन टू पार्ट्स, स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। कैसे करते हो बताएंगे अभी हम, पर मेन आइडिया ये है कि आप यहां पर जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है ना, ये तो बीच का टर्म हुआ ना मिडिल टर्म, ये जो बी है वो मिडिल टर्म है ना, बी एक्स जो है वो मिडिल टर्म है, और यहां पे जो मिडिल टर्म जो एक्स का कोफिशिएंट है बी, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, इसीलिए नाम दिया गया है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है? हम लोग पहले ये समझ रहे हैं कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों कहते हैं। हम लोग यहां पर जो मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट लास्ट मिडिल टर्म है, इसको जो कोफिशिएंट है बी, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। और कैसे स्प्लिट करते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। पहले आप क्या करो, आप जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड कांस्टेंट टर्म है, मतलब ए एंड सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए एंड सी, ठीक है? तो आपको रिजल्ट मिला, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट मिला। मान लीजिए उसका वैल्यू है ए सी, ठीक है, ए इंटू सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको एक नंबर मिलेगा ना, सही है? अब मान लीजिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या है? पहला पॉसिबिलिटी ये है, केस वन ये हो सकता है कि जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया उसका वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है? अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे बी को, मुझे क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्प्लिट स्प्लिट एस पी एल आई डबल टी, पता नहीं क्या स्पेलिंग, स्प्लिट बी इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स या फिर नंबर्स, नंबर्स सच दैट एड, दो नंबर्स को एड करने से बी आ जाए, सच दैट एडिंग द नंबर्स वी गेट बी, ठीक है? एंड ऑन मल्टीप्लाइंग देम वी गेट ए सी, मतलब ये रिजल्ट, ठीक है? एंड सिमिलरली केस टू ये हो सकता है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो, नहीं तो नेगेटिव, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, रिजल्ट नेगेटिव हो। यहां पे क्या किया हम लोग, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो आपको बी को विल हैव टू स्प्लिट बी इनटू टू पार्ट्स या फिर नंबर्स मेनली, सच दैट ऑन एडिंग वी गेट द नंबर बी एंड मल्टीप्लाइंग एसी। यहां पे क्या फर्क है, बस सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस क्या है यहां पर, एड के जगह सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब सेम है। मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं, लिख नहीं रहे हम, कि आप समझ लो कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे विल हैव टू स्प्लिट बी इनटू टू नंबर्स सच दैट
ऑन सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स वी गेट बी एंड मल्टीप्लाई करने से एसी मिल जाए, ठीक है। तो बस ये चीज समझ लो आप लोग कि सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एक स्क्वायर टर्म ऐसा ही है, सी टर्म ऐसा ही है, बस हम लोग मिडिल टर्म को लिखेंगे ऐसे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट को स्प्लिट करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद आप ए और सी को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो नंबर ऐसे चूज करना पड़ेगा ताकि ऐड करने से बी आए एंड मल्टीप्लाई करने से एसी आए। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि आपको दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि जब आप मल्टीप्लाई करो तो एसी आ जाए, बट माइनस करो तब बी आए। अगर पॉजिटिव तो ऐड करने से बी आना चाहिए, नेगेटिव तो माइनस करने से बी आना चाहिए। इस बात को बस आप ध्यान रखो और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट, समझ में आया। चलो फिर अब हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, ये पांच एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से इन पांचों एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल वन करते हैं। एग्जाम्पल वन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें हम इसको, ये फैक्टराइजेबल है, चेक मत करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चेक कर लिए है कि सारा फैक्टराइजेबल, हम लोग बस फैक्टराइज करेंगे इसको। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है मुझे, इसकी जगह छोड़ दो, यहाँ पर माइनस सिक्स। सामने जो वेरिएबल है, सामने जो साइन है वैसा ही साइन रखेंगे हम, ठीक है। ओके, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, 5 है, ठीक है। ओके, अब देखो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, एंड ये कितना है, सी कितना है, माइनस 6। यहाँ पर ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 6, द ए इंटू सी कितना आएगा माइनस 6, तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया, रिजल्ट नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि माइनस करने से 5 आए और इंटू करने से 6 आए, माइनस 6 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दो नंबर्स चूज करो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो नंबर्स चूज करना है आपको। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप 6 का फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 6 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 और 2, 2 इंटू 1, और तो कुछ होगा नहीं, तो अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 करने से 6 आ जाएगा, अब 6 इंटू 1, ठीक है। हाँ देखो ये कर सकते हैं हम, 6 माइनस 1, अगर हम 6 इंटू 6 माइनस 1 करें तो 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 करें तो 5 आ जाएगा, और जब 6 इंटू माइनस 1 करें तो माइनस 6 आएगा। 6 और माइनस 1 वो नंबर है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा, और इंटू करने से माइनस 6 आ जाएगा, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हुआ। अब बस कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको ओपन करो ब्रैकेट को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स माइनस 6। अब हम लोग कॉमन फैक्ट जैसे ग्रुपिंग किया, तो ग्रुपिंग हो गया, बस सॉल्व कर लो, इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, पहला दो टर्म्स में से पहला दो में से जाएगा एक्स कॉमन जाएगा, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 6, यहां से क्या कॉमन जाएगा, माइनस माइनस है, माइनस 1 कॉमन लो बस, ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। तो फाइनली आपके पास देखो ये एक्स प्लस 6 आ गया, यहां से एक्स प्लस 6 आ गया, ये हो गया एक्स प्लस 6 कॉमन गया, फिर बचा x, यहां से माइनस 1, x माइनस 1, ये हो गया आपका फैक्टराइज, क्लियर है, समझ में आया, इजी है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये हो गया हम लोग का, ये करते हैं हम लोग, क्या है एग्जांपल टू, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है x, हम कौन सा क्वेश्चन किया, ए दिखाने मुझे आपको कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। देखो सॉल्व करते इसको हम लोग फिर से,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मिड टर्म को स्प्लिट करना ऐसे लिखेंगे, प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब देखो आप क्या करना है, आपको ए कितना है यहाँ पर, ए है वन, सी कितना है सिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ए सी इक्वल टू सिक्स, क्या आया पॉजिटिव। मतलब कि मुझे दो नंबर्स चाहिए ताकि पॉजिटिव है ना, तो ऐड करने से फाइव आ जाए और इंटू करने से सिक्स आ जाए। ऐसा नंबर खोजने के लिए आप सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो, टू से करोगे थ्री आएगा, टू प्लस थ्री फाइव, टू इंटू थ्री सिक्स, बस हो गया ठीक है। टू प्लस थ्री फाइव, टू इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स, मतलब यहां पर लिख सकते हैं टू प्लस थ्री, समझ में आया। पिछली बार माइनस आया था इसलिए हम लोगों ने सिक्स माइनस वन लिया फाइव लाने के लिए, पर यहाँ पे पॉजिटिव आया है इसलिए ऐड करना पड़ रहा है मुझे। ये कितना हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर है। अब आप इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स, टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये टर्म से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू एक्स है, एक्स कॉमन जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस टू, और यहां से क्या कॉमन जा सकता है, थ्री कॉमन जा सकता है, थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहां से आएगा एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू कॉमन चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, आंसर क्लियर है, इजी इजी पीजी, बढ़िया ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये भी कर लिया हम लोग, ये भी कर लिया, प्लस और माइनस का डिफरेंस था बस, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये हो गया हम लोग, चलिए समझ में तो आया हम लोग एटलीस्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर लिखो, यहां पे माइनस देके ब्रैकेट लो, यहां पर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। आप साइन को कुछ नहीं चेंज करोगे, जैसा साइन है वैसा ही रहेगा, ब्रैकेट में बस फाइव के लिए लिखते हैं हम लोग, जो साइन दिया हुआ वो वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलना है, बस 5 को स्प्लिट करना होता है हमको, मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है 5, उसको स्प्लिट करना होता है, और कुछ नहीं करना पड़ता हम लोगों को। ओके, यहां पर a कितना है 1 है, c कितना है माइनस सिक्स है, मतलब a इंटू सी कितना आया 1, माइनस सिक्स कितना है नेगेटिव, ठीक है, ओ सॉरी पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो नंबर्स चूज करने पड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव आए एंड एड करने से फाइव आ जाए, तो क्या हो सकता है, पहले तो कर चुके हम लोग, सिक्स माइनस वन करने से फाइव एंड सिक्स इंटू वन करने से सिक्स, इतना नेगेटिव साइन, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे सिक्स माइनस वन, फाइव चाहिए आपको, माइनस फाइव नहीं, इसलिए सिक्स माइनस वन कर रहे हैं आप, वन माइनस सिक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वन माइनस सिक्स करने से माइनस फाइव आएगा, पर यहां पे क्या है, साइन छोड़ दो, साइन प्लीज, ये साइन को ध्यान में मन नहीं देना है हम लोग, बस ये नंबर को ध्यान में देना है, इसलिए सिक्स माइनस वन किए हैं यहां पर, ठीक है। अब हम ये सम फिर से इसलिए कराए हैं ताकि ये बात आपको समझ में आ सके कि सिंस सामने नेगेटिव साइन है, तो जब ये ओपन होगा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है ना, माइनस एक्स इंटू सिक्स माइनस सिक्स एक्स, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स। ये बात का ध्यान रखना है हम लोग को कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, पर साइन बदल जाएगा, जो हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं इस बात को। अब बस ग्रुपिंग कर दीजिए, यहां से एक्स कॉमन जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स, यहां से एक्स माइनस सिक्स तो ऑलरेडी है ही, तो प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस सिक्स जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, हो गया आंसर, ये आपका आंसर है, मतलब कि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, सही है सही है, ये भी हो गया हम लोग। अब और तीन बाकी है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, अब देखिए एग्जाम्पल तो खत्म हो चुका है, अब करते हैं नेक्स्ट क्या है, सेवन माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं किया गया है, उसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर टर्म होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस ट्वेल्व एक्स, फिर ये प्लस सेवन, ठीक है।
सही है ना, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए कितना है, ए है -4, सी कितना है 7, तो ए सी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 7 × 4 -28, मतलब क्या आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव है मतलब मुझे दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि 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 -x + 7, ताकि जब आप दो नंबर ऐसे चूज करो ताकि सॉरी जब आप उसमें को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 12 आए, -12 नहीं 12, क्योंकि माइनस एन ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आया है, ये प्रोसेस है, और इनटू करने से आंसर 20 आ जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड 20 आ जाए, ठीक है। ओके तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा है 28 का प्राइम फैक्टरेशन करो, 2 से करो, पहले 2 से करेंगे तो कितना आएगा 14, आपको कितना चाहिए माइनस, ओ आ ही गए के बारे में आगे, अरे मच्छा जिंदगी, अरे क्या बोले, देखो 2 इंटू 12 करने से 20 आ जाएगा, ठीक है, पर वही अगर हम 14 माइनस 2 कर दें तो 12 आएगा, 14 माइनस 2 बस हो गया, यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 2, मजा ही मजा है, ठीक है। ओके चलो फिर ये हो गया, ये कितना हो जाएगा -4x², ये देखो माइनस है तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -14x तो आएगा ही, पर साथ ही साथ जब ये x जब -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और सामने एक नेगेटिव साइन है तो ये +2x हो जाएगा और ये हो जाएगा +7 जैसा है वैसा ही, ठीक है। ओके तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, x तो कॉमन जाएगा ही, साथ में 4 है 14 है तो फायदा ये 2 ले सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं -2x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने -2x कॉमन लिया मतलब कि इस टर्म को -2x से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सिंपली 2x, ठीक है, और ये टर्म को जो आप -2x डिवाइड करोगे तो आएगा +7, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2x प्लस 7 ऑलरेडी है, ये तो हम क्या करें +1 कॉमन लेते हैं 2x प्लस 7 रखने के लिए, ताकि अब हम ये दोनों टर्म कॉमन हो गया, क्योंकि 2x प्लस 7 तो ऑलरेडी है ही, तो हम बस +1 कॉमन ले रहे हैं दिखाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू -2x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है, सिंपल बेसिक, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये सारे टर्म्स जो हम लोग ने मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं, यहां पर हम लोग ने कभी स्क्वायर रूट से डील नहीं किया, ठीक है, पर जब आप कभी कभी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देखोगे कि कभी कभी स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम भी आ गया है, तो इसको कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये लाइफ में जब आप मैथ्स करोगे ना कभी ऐसा इक्वेशन से फेस करोगे ही करोगे, इसीलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं हम लोग। क्या है x² + 3√3x - 30, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर ए कितना है, ए है 1, सी कितना है विद साइन -30, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रोडक्ट है ए सी वो है -30, मैग्नीट्यूड है 30, नेगेटिव साइन है, विच इंप्लाइज कि अब आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव आया ना तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाए 3√3 आए, सब्ट्रैक्ट करने से 3√3 आए एंड इंटू करने से 30 आ जाए, ठीक है। अब एक चीज तो आप समझ लो, सबसे पहला बात समझ लो कि आपके पास क्या है, प्लीज 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 ध्यान सुनना, आपको दो नंबर्स को ऐड करने से √3 चाहिए, आपको दो नंबर्स चाहिए ना ताकि सब्ट्रैक्ट करने से √3 आ जाए। अब सिंस दो नंबर्स अगर सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर √3 है, मतलब कि √3 तो होना ही पड़ेगा सबके साथ, मतलब कि समथिंग माइनस समथिंग का √3 हैज टू बी 3√3। ये √3 कब आएगा, ये √3 तभी आएगा ना जब दोनों में √3 होगा, क्या समझ में आया। अब एक चीज नोटिस करो,
कि अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 तो आपके पास आ ही जाएगा। नहीं समझ पा रहा, मुझे पता नहीं समझ में आ रहा। हम ये बोल रहे हैं कि आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए मैग्नीट्यूड और माइनस करने से 3√3 आया। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि आपको तो ये 3√3 तो चाहिए ही, और दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से अगर 3√3 आ रहा है, इसका मतलब ये दो नंबर्स में 3, ये √3 तो होना ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, पर जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 होता है 3। इसका मतलब 3 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, और कितना चाहिए, 10 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, मतलब कि दो नंबर्स है ये 5√3 माइनस 2√3। देखिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया आपको। हम तो ये समझ ही गए थे कि √3 तो होना ही है यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो खुद ही सोचो ना भैया कि 5√3 माइनस 2√3 करने से 3√3 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 10 √3 √3 3 10 × 3 30 आ गया। बस ये सोच के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बस ये अगर हमने कर दिया, अब बस सो मल्टीप्लाई कीजिए, सामने प्लस है तो साइन चेंज होने का कोई बात ही नहीं है। 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में से जो कॉमन जाएगा वो होगा सिर्फ x। ये हो जाएगा x प्लस 5√3, और यहां से क्या करेगा हम, अब तो मुश्किल है भैया, क्या कॉमन जाएगा, अब तो मुश्किल है। देखो यहां से आपको क्या चाहिए, x चाहिए ना, x प्लस चाहिए, तो मतलब आपको 2√3 कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 2√3x/√3। ठीक है, माइनस 30√3, जब आप ये कॉमन ले रहे हो तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर है 2√3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको उसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x × x + 5√3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -2√3 × x। ओ, हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो एक्स हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं साइड में, 30/2√3। ठीक है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देता है, जो हम लोग ने रैशनलाइजेशन में सीखा है। तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 15, और ये √3 √3 3 3 से कैंसिल होगा, 5 5√3 आ जाएगा, x + 5√3। देखो सेम चीज आ गया, इसका मतलब अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, x + 5√3 × x - 2√3। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होता। ये चीज बस देखो ना, 5√3 - 2√3 3√3 आ जाएगा, और इनटू करने से मेरे को ये भी तो मिल जा रहा है, बस बस लॉजिक था, कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, ये भी समझ लेते हैं ठीक से। हा, तो फाइनली हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एटलीस्ट बेसिक्स तो समझ चुके हैं ना कि कैसे काम करता है। क्वेश्चन क्या है, बोला 7√2x² - 10x - 4√2। देखो नोटिस करो कि यहां पर जो मिडिल टर्म है ये क्या बनेगा, 7√2x² - x - 4√2। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, अब ए क्या है यहां पर, ए है 7√2, बी कितना है, सॉरी सी कितना है, -4√2, माइनस इसलिए माइनस।
तो ए इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2, 4, 4 क्या बोल रहा है, सॉरी √2 × √2, 2, 2 × 4, 8, 8 × 7 −56, ठीक है, जो क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ जाए और इंटू करने से 96 आ जाए, 56। चलिए 56 का मेल्ट ऑफ फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं, 2 से करेंगे 28, 28 माइनस 2 करने से आएगा 10, नहीं आएगा छोड़ दो, फिर 2 से करो कितना हो जाएगा 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4, 14 माइनस 4 10 हो जाएगा, कहाँ हो गया देखो, 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 करोगे तो 10 आ जाएगा, एंड जब 14 इंटू 4 करोगे तो 56 आएगा विद नेगेटिव साइन, क्लियर है। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा है, 7√2x² सामने नेगेटिव साइन है तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा −14x तो आएगा ही, पर फिर सामने नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x −4√2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हो आप, अब नोटिस करो कि अब आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन है, समझ में आया कुछ, एक चीज देखो, इन दोनों में सबसे पहले हम 7x कॉमन ले सकते हैं, 7x, तो 7x कॉमन ले लेते हैं कितना आ जाएगा, 7x अगर हम कॉमन लेते तो आ जाएगा √2x −2, क्लियर है, 7x कॉमन ले, √2x −2, ठीक है, ओके, प्लस यहां क्या आ जाएगा, यहां पे 4 है, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं यहां से तो ये हो जाएगा x −√2। अब आप बोलोगे भैया यहां तो दोनों सेम आया ही नहीं, तो क्या करें, यहां पे x −√2 है ना, यहां पे √2 −x है, एक काम करते हैं ना, यहां से √2 और कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 7√2x इंटू, मतलब कि ये टर्म को आप √2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, x −2/√2, क्योंकि ये टर्म को आप √2 एक्स्ट्रा कॉमन लिए हो तो √2 डिवाइड ही करोगे, जो बेसिक नियम था हम लोग का, प्लस 4 × x −√2, ठीक है, एंड 2/√2 का हम लोग रैशनलाइजेशन सीखे ना, 2/√2 है तो ऊपर नीचे √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये √2 × √2 होता है, ये इसका कैंसिल बचेगा 2, इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली 7√2x इंटू एक्स −√2 प्लस 4 × x −√2, देखिए हो गया, अब सेम आ गया, अब जैसे सेम आ गया आप सो कॉमन ले लो, एक्स −√2 इंटू 7√2x प्लस 4, ये हुआ आपका आंसर 4, चेक कर लो बस, समझ में आया कि नहीं आपको, तो ये बेसिक नियम है जिस पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काम करता है। हम लोग एक और एपिसोड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट पे, जहाँ पे और 4-5 अच्छा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से समझ में आ जाए, पर बेसिक आइडिया यही है कि आप सबसे पहले इसको अरेंज करो और ऐसे लिख दो, ऐसे क्यों, क्योंकि हम लोग बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म का जो कोफिशियंट है एक्स उसको स्प्लिट करते हैं बस, और कैसे स्प्लिट करते हैं वो डिपेंड करता है, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करना पड़ेगा ताकि ऐड करने से बी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ए सी आ जाए, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया है इसका मतलब कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं बस उसका बी टर्म साइन को छोड़ के, और फिर मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फिर चलिए ये था ऑल अबाउट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो पिछले आज का लेक्चर हम लोग ये पे समाप्त करते हैं, टिल देन बी सेफ, be joyful, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.